हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो डूइंग गुड एंड हियर आई स्टार्टेड माय स्टडीज। आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग टुडे एंड आई सॉ दैट मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा यार अभी स्टडी करने में ज़रा से भी लेट मत करो, मौसम अच्छा है, फ़ायदा उठाओ, खूब पढ़ो। सो मैंने फर्स्ट स्लॉट में रिविज़न किया एंड उसके बाद नाउ आई गोइंग टू नो जस्ट रीड आउट द सिलेबस, बिकॉज मैं जितना ही से पढ़ती हूँ ना उतना ही भूल जाती हूँ। सो एक रीडिंग में इसे रोज़ ज़रूर देती हूँ सो दैट माइंड में ये थोड़ा फिक्स हो जाए। एंड देन इतना करने के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट बिकॉज भूख लग रही थी, 2 घंटे हो गए थे। एंड सेकेंड स्लॉट में नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी NCERT की क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसे मैं रिवाइज करने जा रही हूँ। लाइक मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, अच्छे से पढ़ लिया था, बट हियर आई थॉट चलो फ़ोन से रिवाइज कर लेते फटाफट। बुक मुझे मिल नहीं रही थी, आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दी थी। सो मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ, यू नो क्विक रिविज़न। और उसके बाद ये मुझे मैप मिला जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे अगेन अच्छे से पढ़ने लगी। एक्चुअली जो ईस्टर्न साइड्स पे जो हमारी स्टेट्स हैं ना वो थोड़ा मैं फेडेड हो जाते मेरे माइंड से, तो मैं उसे देख रही थी अच्छे से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक नोट्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें कि भक्ति एंड सूफी सेंट्स के नोट्स बना रहे थे। ये चैप्टर मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, अदरवाइज इससे पहले के चैप्टर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं नोट्स बनाऊंगी एंड देन उसके बाद आज मुझे जाना है मार्केट, रक्षाबंधन की कुछ शॉपिंग्स करनी है, वरना यू नो नेक्स्ट वीक ही तो रक्षाबंधन है। सो फटाफट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को ख़त्म, देन उसके बाद चलते हैं मार्केट। सो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स एज यू ऑल हैव सीन बिफोर, बट मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा पहले याद रख कर ही लेती हूँ, देन उसके बाद फिर नोट्स कंप्लीट करूँगी। मैंने सोचा था कि मतलब कंप्लीट कर लूँगी देन लंच करके फिर जाऊँगी मार्केट, बट इतनी भूख लगी नहीं अभी कंट्रोल नहीं हुआ। एंड नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई नोट्स, इसके बाद जाना है मार्केट जस्ट टू डू सम शॉपिंग्स। सी मतलब कभी कभी ऐसा कैन थिंक ना जब पढ़ाई कर रही है। नोट्स करने के बाद मम्मी ने एप्पल दिया मुझे, बोला खा लो दिन चलते हैं, एंड आई फिनिश्ड इट एंड फाइनली आई गो आउट। एंड हम मॉल आए थे बिकॉज हमें कुछ ड्रेसेस लेनी थी रक्षाबंधन के लिए स्पेशली मुझे, बट बैड लक मुझे कुछ मिला नहीं मॉल में अच्छा सा, लाइक स्टॉक्स जो भी थे सब पुराने हो गए थे। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आना था, बट एट द एंड जो भी मुझे कुछ भी ठीक लगा मैंने उसे लिया एंड वी वेंट आउट बिकॉज हमें राखी शॉप पर भी जाना था एंड मौसम बहुत बुरा बारिश वाला हो रहा था, बट लकली हमने राखी ले ली एंड हम घर भी पहुंच गए थे एंड बहुत प्यारी प्यारी राखी थी गाइस। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।